लगातार हम इन अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, पिछले 16 दिनों से लगातार आपका प्रदर्शन जारी है, आज कोर्ट में सुनवाई थी, उसको लेकर क्या? सर, मेरा तो मन फांसी लगाने का हो रहा है, फांसी लगाने का मन हो रहा है बीजेपी सरकार के पक्ष में। हमारी बात क्यों नहीं सुन रही? हम 15 दिन से यहाँ पर बैठे, उनको कुछ ज्यादा पता नहीं है क्या? बस वो सीएम बन गए, उनको कुर्सी मिल गई, उन्होंने 5-7 दिन में ज्वाइनिंग ले ली और हम 15 दिन से यहाँ पर बैठे। 4 महीने पहले हो गए पर फिर भी हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल रही। आज सुनवाई थी, सुनवाई में कुछ हुआ नहीं, पता नहीं क्या करते रहते, इधर की उधर, उधर की इधर, मतलब हम बेरोजगार तो ऐसे ही है। 15,000 को नियुक्ति मिल गई, 5,000 को बाकी है, सरकार भेदभाव दिख ही रहा है ना? वो भेदभाव तो हम, मैंने पता ही नहीं क्या कौन सा कसूर क्या है जो हमारे साथ में ऐसा भेदभाव कर रही है। सरकार 15,000 को दे दी और हमें नहीं दी, कागजों में हमारी ज्वाइनिंग हो चुकी है और हम यहाँ पर बैठे हैं। 15 दिनों से आपका प्रदर्शन जारी है, आगे क्या रणनीति हो गया? सर, बस यही विनती थी कि ना हमारी, मतलब आज तारीख मिली थी 13 तारीख, तो भाई आज कुछ हो जाएगा, बट क्या पता क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शिक्षा विभाग पता नहीं किसके ऊपर थोप रहा है, अब पहले तो न्यायपालिका से भी उम्मीद थी, अब तो यहाँ से भी सब कुछ खत्म होता दिख रहा है, क्योंकि आज जैसा हुआ ना वैसा शायद कभी हुआ ही नहीं है। डेट भी नहीं मिल रही, डेट मिली थी तो उसमें सुनवाई नहीं हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा सरकार हमारे साथ करना क्या चाहती है। जो भी करना हो ना वो क्लियर क्लियर बता दो कि ज्वाइनिंग देनी है या नहीं देनी, हमें मतलब भरोसे बैठा रखा है यहाँ पे। तो देखिए, अभ्यर्थी लगातार अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर पिछले 16 दिनों से शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर रहे थे, आज इनकी हाई कोर्ट में सुनवाई थी लेकिन किसी कारणवश इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है और लगातार ये अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर पिछले 16 दिनों से शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, 16 दिन हो गए आपको प्रदर्शन करते हुए, आज कोर्ट में आपकी सुनवाई थी लेकिन किन कारणों की वजह से सुनवाई नहीं हो पा रही? सरकार हमारी जो, वो सरकार ने क्या किया है, हमारा जो भविष्य है ना उसको लेके अंधकार की खूंटी पे टांग दिया है, क्योंकि आज हमारी कोर्ट में सुनवाई थी, हम सभी बच्चे सभी जगह गए हुए, सभी अधिकारियों से मिले, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपकी हम कार्रवाई करेंगे, 100% आपका काम करेंगे, लेकिन सरकार ये भूल गई कि काम होगा 13 तारीख को, लेकिन 13 तारीख को जिस जगह काम होना है मेन जगह पर, जैसे हाई कोर्ट में आज हमारा केस ही लिस्ट नहीं हुआ, हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक स्थिति है कि हम जाएँ तो कहाँ जाएँ बताओ। ये जानकर हम आज बड़े खुश थे कि आज हमारी सुनवाई है, शायद हमारा काम हो जाएगा, लेकिन सरकार, ये भजनलाल सरकार है ना, ये हमारे भविष्य को लेके इतनी वो है कि भाई इनका काम नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं ये जानना चाहता हूँ और ये हमारा युवा जानना चाहता है इस राजस्थान सरकार से कि आखिर भजनलाल सरकार जी हमसे चाहती क्या है। आज हमारी सुनवाई थी जिसमें हमारा काम होना चाहिए था, आज हमारा केस लिस्टेड था 13 फरवरी को, लेकिन आज भी कुछ भी नहीं हुआ। इस सरकार ने ऐसा, हमने ऐसा क्या गुनाह किया है जो सरकार हमारा काम जानने के लिए तैयार नहीं है? हम सभी अपनी बातें सभी जगह पहुँचा चुके हैं, बोर्ड पहुँचा चुके, निदेशालय पहुँचा चुके, यहाँ तक कि हम सभी पिछली बार भी वकीलों से भी मिले थे, लेकिन अपना कोई काम नहीं हुआ, कोई अपनी बात पे कोई चिंताजनक है ही नहीं। भाई साहब, हमारा निवेदन है सरकार से, क्यों हमें इस तरह से मजबूर किया जा रहा है यहाँ बैठने को? ये युवा इतनी परेशान पीड़ित सहन कर रहा है, शाम को खाना रहने पानी सब की व्यवस्था कुछ भी नहीं है, अपनी जेबों से खर्च कर रहे हैं, किसान के बच्चे हैं, कोई हमारा दर्द सुनने को तैयार नहीं है। हमारा निवेदन है सरकार से, प्लीज़ हमारा दर्द समझे, हम पर जितने 6,000 परिवारों का दर्द नहीं समझ रही है राजस्थान सरकार, तो किसका दर्द समझेगी? आखिर ये 6,000 परिवारों के बच्चे कहाँ जाएं, किससे गुहार लगाएं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। मेरा निवेदन है इस सरकार से कि इस सिस्टम के हिस्सा में हमें हमारी मजबूती से पैरवी करवा के हमें हमारी सीट जो मिल चुकी है वहाँ तक पहुँचाने का कष्ट करे। ये हमारा निवेदन है भजनलाल सरकार से कि हमारी गुहारों को सुने और हम बच्चों को न्याय दिलाए। हम तो ये न्यायपालिका से भी कहना चाहते हैं कि इतने दिन 20 दिन से हम यहाँ बैठे हैं लेकिन हमारे लिए सुनने को कोई तैयार नहीं है, तो हम न्यायपालिका से भी अपनी गुहार लगा रहे हैं कि हमें हमारा न्याय दिलाओ और हमें हमारे स्कूलों में पहुँचाओ। ये हमारा निवेदन है सरकार से। देखिए, तमाम अभ्यर्थी रीट लेवल 1 से जुड़े हुए हैं, वो आज इनकी हाई कोर्ट में सुनवाई थी लेकिन किसी कारणवश चलते हुए इनकी सुनवाई नहीं हो पाई है। लगातार हम इन अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, पिछले 16 दिनों से लगातार आपका प्रदर्शन जारी है, आज हाई कोर्ट में आपके मामले की सुनवाई थी लेकिन सरकार की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है, उसके कारण आपकी सुनवाई नहीं हो पाई, उसको लेकर क्या कहें? कहना क्या है, गवर्नमेंट को कोई ध्यान ही नहीं है हमारा। हम जी कैसे भी पढ़े, हम घर छोड़ के पढ़े हैं, बच्चों को छोड़ के पढ़े हैं, तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। आज तो हमारी तारीख थी और उसको कैंसिल कर दिया है, ये थोड़ी ना है न्यायपालिका का, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, पर हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं वो। तो कहाँ से आए, किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ेगा?
अलवर से आए, हर समस्या का ही सामना करना पड़ रहा है। रात को देखते हैं कि कहाँ रहने की जगह है, कोई सुरक्षित जगह भी नहीं है हमारे लिए रहने के लिए। ऐसे ही पड़े हैं, खाना है नहीं खाना ये पता ही नहीं है कुछ भी हमारा। देखिए तमाम अभ्यर्थी रीड शिक्षक लेवल वन से जुड़े हुए थे, वो लगातार आज इनको सरकार से बड़ी उम्मीद थी कि इनके मामले में हाई कोर्ट की तरफ से इनको बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन किसी कारणवश इनकी आज हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई है। और लगातार हम इन अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे, सर आज आपका मामला